नमस्कार, आप देख रहे हैं M4U News। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बलरामपुर जनपद के उतरौला तहसील परिसर में स्थित स्टाम्प बेंद्रू के गुमटी में चोरों ने ताला तोड़ दिया। बीते शनिवार को परिसर में बने अधिवक्ता संघ उतरौला भवन का चोरों ने ताला तोड़कर 12,000 रुपए व अन्य कागजात चुरा ले गए थे। तहसील परिसर में चोरी की लगातार घटनाओं से आक्रोशित अधिवक्ताओं ने तहसील गेट पर ताला बंद कर प्रशासन विरोधी नारे लगाए। SDM उतरौला संतोष कुमार ओझा को सूचना मिलने पर वो तहसील में आकर अधिवक्ताओं से मिलकर उनसे वार्ता की और तहसील में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कराने का आश्वासन दिया। तहसील परिसर में उस समय हंगामा मच गया जब तहसील परिसर में रखे स्टाम्प ऑपरेटर कलीम अहमद वानी कुमार गुप्ता की गुमटी का ताला टूटा। अधिवक्ता संघ उतरौला वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुस्तफा हुसैन के नेतृत्व में सैकड़ों अधिवक्ताओं ने तहसील केंद्र मुख्य गेट पर पहुंचकर SDM उतरौला व तहसीलदार उतरौला के विरुद्ध में नारे लगाए। ताते चने के पिछले शनिवार को चोरों ने तहसील परिसर में बने अधिवक्ता संघ उतरौला भवन का ताला तोड़कर भवन में रखे बक्से का ताला तोड़कर 12,000 रुपए व अन्य कागजात चुरा ले गए। तहसील परिसर में लगातार चोरी की घटनाओं पर आक्रोशित अधिवक्ताओं ने न्यायालय कार्य बहिष्कार किया। इसमें बेनी माधव तिवारी, मारुति नंदन गुप्ता, अश्विनी कुमार, अजगर मेहंदी, वैभव कुमार, शिवशंकर वर्मा, इजहार हसन समेत तमाम अधिवक्ता मौजूद रहे। संघ महामंत्री गियासुद्दीन खान ने बताया कि तहसील परिसर में चोरी की घटनाओं से तहसील न्यायालय के अभिलेख सुरक्षित नहीं रहेंगे। संघ भवन में विगत सप्ताह हुए चोरी की घटना की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस चोरों को पकड़ नहीं सकी। SDM उतरौला मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। M4U न्यूज चैनल देवी पाटन मंडल प्रभारी हाजी निसार उस्मान की रिपोर्ट। ताला तोड़ा गया है, रस्ता पूरा उल्टा हुआ था। जब हमने खोला उसमें कोई सामान नहीं था, कुछ कैश था, 6-7 हज़ार रुपये वो ले गए, स्टैंड ले गए, नेटी टिकट, कल्याण की टिकट और 8 रुपये या 10 रुपये का टिकट, तकरीबन 20,000 रुपये कोई एक नहीं। आपने भैया सुबह कुछ ना कुछ बात साहब को दिया, कोतवाल साहब, SDM साहब दोनों लोग आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है। उनके आने के बाद हमने ताला तोड़ करके अपना सड़क खोला तो कोई सामान मिस नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार गुप्ता है, मैं इससे राजस्थान में एक्टिविटी देखता हूँ। हाँ, रात में कुछ अज्ञात हो रहा है और मेरे दरवाजे से ये ताला है, इसमें कहला देखा है, लकब लगा कर खोलना चाहा और ये शटर तोड़ा तो भी देखा। तो कुछ सामान की चोरी जो हुई? नहीं, मेरे सामान की चोरी नहीं हुई। यहाँ किसी पर शक है आपको? नहीं, शक तो मुझे नहीं, मगर कार्रवाई में कोई अधिकारी आए थे आपने? नहीं, अधिकारी साहब आए थे, आके देख के चले गए। नाम बताया अपना? मैं अध्यक्ष, यहाँ पे पिछले 18 सितंबर को चोरी हुई थी चैम्बर में, और जिसकी रिपोर्ट केवल रिपोर्ट लिख करके कोई ना स्मार्ट मेमो बनाने आया ना कोई कार्रवाई हुई, तो इससे चोरों का हौसला बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ तहसील के जो उच्च अधिकारी हैं, SDM हैं, तहसीलदार हैं, इन लोगों द्वारा रात में 9 बजे तक कार्यालय खोलकर बैठा जाता है, जिससे चोर और शाह की पहचान कर पाना मुश्किल है। चोरी के मुख्य जो कारण हैं, इनका भी योगदान है चोरी में। पुलिस की लापरवाही है ही, उनको तो कम से कम 2 बार राउंड लेना चाहिए तहसील में कि क्या हो रहा है। पहले ट्रेजरी थी तो यहाँ राउंड होता था, अब राउंड नहीं हो रहा। और SDM और तहसीलदार के रहते हुए 9 बजे तक और तहसील में चोरी हो रही है, ये इनके लिए भी सोचने का प्रश्न है। और चोर कोई जरूरी है कि वकीलों का या स्टाम्प वेंडर का ही चोरी करे, कल वो तहसील प्रशासन में पेशदार कमरा न्यायालय है, रिकॉर्ड रूम है, उसका भी ताला तोड़कर कभी भी कोई बड़ी वारदात रख सकते। सुरक्षा के बारे में और कुछ? सुरक्षा के बारे में भी यही कहना है कि पुलिस जो है राउंड लगावे, और जब तक कोई प्रभावी कार्रवाई किसी के विरुद्ध नहीं की जाएगी तब तक चोरी ऐसे बढ़ती है।
योजना जिनको मिली हो क्या आपसे संपर्क किए हैं? विवेचना कुरुसेन सिंह को मिली है जो हमारे सुभाष नगर चौकी प्रभारी हैं। आज वो आए थे, मैंने कहा कि आज तक आपने कभी जो है स्मार्ट मेमो नहीं बनाया। मैंने उनका विरोध किया कि उनकी कार्यशैली ठीक नहीं। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 8445657566।